नमस्कार। संजय रावत का ईडी की कार्रवाई पर बड़ा हमला। एम्बुलेंस घोटाले का जिक्र कर सीएम शिंदे पर साधा निशाना। उद्धव गुट के सांसद संजय रावत का ईडी की कार्रवाई और एम्बुलेंस घोटाले पर बड़ा बयान सामने आया है। कल ही शरद गुट के विधायक रोहित पवार से ईडी ने पूछताछ की थी। आज शिवसेना के नेता किशोरी पेडणेकर से भी ईडी पूछताछ करेगी। बीते कई दिनों से एमवीए के कई नेता ईडी की रडार पर है। ऐसी कार्रवाई को लेकर सांसद संजय रावत ने कई सवाल खड़े किए हैं। संजय रावत का कहना है, यह ईडी की नहीं बल्कि बीजेपी की कार्रवाई है। अगर यह ईडी की जांच है तो 8000 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस घोटाले में कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया? एम्बुलेंस घोटाले में मुख्यमंत्री के घर के लोग शामिल है। करोड़ों का घोटाला हुआ है। धन्यवाद।